अभी भी कई खतरनाक मकानों पर कार्रवाई होना बाकी है। इंदौर नगर निगम ने एक बार फिर जर्जर मकान को हटाने की कार्रवाई की। इस बार नगर निगम की टीम ने मराठी मोहल्ला स्थित जर्जर मकान को ध्वस्त किया। हालांकि इस दौरान जेसीबी मशीन और पोकलेन का प्रयोग नहीं किया गया। रिमूवल अधिकारी ने बताया कि ये कार्यवाही मोहम्मद अय्यार पिता अब्दुल गफ्फार मराठी मोहल्ला G+2 अपार्टमेंट पर की जा रही है। इसमें एक जर्जर मकान खतरनाक स्थिति में है, जिसको तोड़ने में नगर निगमों को मुश्किल आ रही है, क्योंकि इस भवन के साथ में एक G+2 का मकान बना हुआ है, साथ ही इससे लगा हुआ भी है। इसके साथ ही इसके पास एक मंदिर भी है और उसके ठीक पीछे एक चाल बना हुआ है, जिसमें 15 से 20 परिवार निवासरत है। इसको तोड़ने के पूर्व इससे लगे हुए मकानों को खाली करा दिया गया है। मकान ऐसी स्थिति में है कि अगर इसे सावधानी से नहीं तोड़ा गया तो यह दूसरे मकानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए सबसे पहले गैलरी और दीवारों को तोड़ा जा रहा है, जिसके बाद बीम और पिलर हटाए जाएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि मकान की स्थिति कैसी है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह मकान लगभग 50 साल पुराना है। बोले देखिए, आज कार्रवाई हो रही है। मोहम्मद यार पिता हाजी अब्दुल गफ्फार का जो पता है वो 37 नया जो पता है और पुराने में आ रहा है 19 पुराने वारंटी है। उसको तोड़ निकालने की शुरुआत कर रही है। आप देखें कि मकान काफ़ी खतरनाक स्थिति में है। अब इसके साथ लेकिन मुश्किल ये आ रहा है कि जो साथ में है G+2 एक मकान लगा हुआ है, इसके कोने पर मंदिर है जो बिल्कुल से टिका हुआ है, पीछे एक चौल है जिसके अंदर करीब 200 परिवार रह रहे हैं। इस प्रकार ये तीनों तरफ से मकान ऐसी स्थिति में है कि अगर कहीं भी कुछ होता है तो ये कहीं ना कहीं जा करके तीनों स्थिति में प्रभावित करता है। लिहाजा आज इसको और नॉर्मली भी हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी हमें बहुत कठिन होकर काम करना पड़ रहा है।